नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है नोइस एचआरएक्स एक्स फिट 2 जो लॉन्च हुई थी फ्लिपकार्ट पे 1999 प्राइस के साथ, लेकिन अब इसकी प्राइस शो कर रही है 2499। लेकिन आप इसे नोइस की वेबसाइट से परचेस कर सकते हो 1999 में। इसके अलावा अगर आप कूपन कोड यूज करोगे दोनों में से कोई भी एक F10 या फिर फ्लैट 200 तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 200 रुपीज का डिस्काउंट, मतलब कि ये वॉच आपको मिलेगी 1799 में। तो 1800 रुपए में जो ये वॉच है मुझे लगता है काफी बढ़िया है। जो स्पेक्स आपको इसमें मिल जाते हैं, खास करके कॉल और SMS के लिए क्विक रिप्लाई का फीचर। इसके अलावा बात करते हैं इसके मेन स्पेक्स की, तो इसमें है 1.69 इंच का TFT LCD डिस्प्ले, स्ट्रेस, हार्ट रेट और SPO2 मॉनिटर, कॉल एंड SMS क्विक रिप्लाई। लेकिन ये फीचर केवल एंड्रॉइड फोन में ही काम करेगा, आईफोन में काम नहीं करेगा। 60 स्पोर्ट्स मोड, 7 डे बैटरी लाइफ, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग और IP68 वाटरप्रूफ, मतलब कि आप इस वॉच को पानी में 1.5 मीटर की गहराई में आधे घंटे तक यूज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको मिलेंगे अलग अलग रिमाइंडर्स और कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप, हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे कौन कौन सी चीजें आपको मिलती है इस बॉक्स के अंदर। तो ये है वो चीजें जो आपको मिलती है इस बॉक्स के अंदर, यूजर मैनुअल, ये है वारंटी इंफॉर्मेशन कार्ड, वारंटी को कैसे एक्टिवेट करना है इस कार्ड पे दिया गया है। आपको इस वेबसाइट पे जाकर अपनी डिटेल फिलअप करनी है और फॉर्म सबमिट करना है, आपकी वॉच की वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन आप ऐप के जरिए भी वारंटी को एक्टिवेट कर सकते हो, हम देखेंगे कैसे करना है। यह है नॉइस के स्टिकर्स, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके चार्ज करना है। चार्जिंग करने के लिए आपको लगेंगे 2.5 घंटे और इसमें है 260 mAh की बैटरी, आपको मिलेगा 7 दिन का बैटरी बैकअप। आप चार्जिंग करने के लिए 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच के बैटरी लाइफ के लिए, या फिर अपने PC या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी आप चार्जिंग कर सकते हो। बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की, तो राइट साइड में है एक बटन जो प्लास्टिक की है, उस पे कुछ पैटर्न दिया गया है, हालांकि ये इतनी स्टर्डी या मजबूत नहीं लगती। जो बिल्ड क्वालिटी है प्लास्टिक की है, हालांकि स्टर्डी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। स्ट्रैप्स जो है सिलिकॉन के है, HRX की ब्रांडिंग यहां पे आपको देखने मिलेगी। ऊपर में है मेटालिक बकल और एक स्ट्रैप होल्डर। बैक में देखेंगे तो ये है ब्लैक कलर और उसमें आपको पीछे में मिलेगा रेड कलर का ये पैटर्न। आप इन स्ट्रैप्स को रिमूव भी कर सकते हो, रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है, फिर इसे बाहर करना है। इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे वाली पिन को अलाइन करना है नीचे के होल में और फिर ऊपर वाली पिन को नीचे खींचना है और इंसर्ट करना है अंदर की ओर। इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम स्विच ऑन करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज कर लेना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, तो मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। उसके लिए आपको इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है, जब लोगो दिखाई देगा तब आपको उंगली रिलीज कर देनी है। तो अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्टवॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है नॉइस फिट। तो आप नॉइस फिट इसे आपको डाउनलोड कीजिए, इसके बाद आपको इसे करना है ओपन, टिक कीजिए बॉक्स में और कीजिए एग्री एंड कंटिन्यू। आप अपना जीमेल या किसी भी ईमेल से इस नॉइस फिट ऐप में लॉगिन कर सकते हो, या फिर अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट को क्रिएट भी कर सकते हो। हालांकि मेरा पहले से अकाउंट है तो मैं जीमेल पे टैप करूंगा और उस अकाउंट को करूंगा सिलेक्ट। फिर आपको करना है व्हाइल यूजिंग द ऐप अलाउ कीजिए, ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए अलाउ कीजिए, आपकी वॉच स्विच ऑन होनी चाहिए। अगर स्विच ऑन होगी तो ये नाम शो करेगा एक्स फिट 2। अगर यहां पे ये डिवाइस शो नहीं कर रहा है तो आपको स्कैन पे टैप करना है, आपके फोन में स्कैनर ओपन होगा, फिर आपको स्कैन करना है इस कोड को, इसके बाद जो वॉच होगी बाइंड हो जाएगी। हालांकि अभी जो डिवाइस है शो कर रहा है तो मैं इस पर टैप करूंगा, आपकी वॉच में आएगा एक कंफर्मेशन मैसेज, आपको टिक पे टैप करना है।
पेयरिंग सक्सेसफुल, स्टार्ट यूजिंग, गेट स्टार्टेड। आपको फर्स्ट टाइम वेट करना है, जो सारा डेटा है सिंक होने देना है। तो ये है होम पेज, फिर है एक्सप्लोर, यहां पे आपको मिलेंगे अलग अलग चैलेंजेस जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर है शॉप, यहां से आप अगर स्ट्रैप परचेस करना चाहते हो वॉच के लिए तो आप यहां पे एक्सेसरीज पे टैप करके जो स्ट्रैप्स है उन्हें परचेस कर सकते हो। स्ट्रैप की जो साइज है वो है 22 mm। इसके बाद फिर है माई डिवाइस। तो माई डिवाइस में सबसे पहले हम करेंगे डिवाइस के सेटिंग्स को सेटअप। तो आपको बैटरी लेवल जो है उस पर टैप करना है एरो के आइकन पे। यहां पे सबसे पहले चेक फॉर अपडेट्स, अगर कोई अपडेट अवेलेबल है तो आपको टैप करके चेक करना है। न्यू अपडेट अवेलेबल यहां पे शो कर रहा है तो हम करेंगे डाउनलोड और इंस्टॉल। तो वॉच अपडेट हो चुकी है, इसके बाद बैक जाएंगे और आप यहां से कर सकते हो अपने वॉच की वारंटी को एक्टिवेट। आपको इस पर टैप करना है। आपने इस वॉच को कहां से परचेस किया है? तो मैंने इसे परचेस किया है फ्लिपकार्ट से, तो मैं करूंगा फ्लिपकार्ट। और आपको फिर जो सीरियल नंबर है इस वॉच का एंटर करना है, या फिर आप डायरेक्टली स्कैन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको बॉक्स पे जो लिखा होगा SW, तो ये रहा सीरियल नंबर। आपको इस स्कैन के आइकन पर टैप करना है, फिर आपको इस कोड को स्कैन करना है इस तरीके से। तो जो सीरियल नंबर है एंटर हो चुका है, अब आपको करना है सबमिट। आपके वॉच की वारंटी एक्टिवेट हो चुकी है। नीचे यहां पे दिया गया है अनपेयर डिवाइस का ऑप्शन, मतलब कि अगर आपको इस वॉच को यूज नहीं करना है कुछ दिन के लिए तो आप अनपेयर कर सकते हो। अगर आपकी वॉच में कोई इश्यू है, आपकी वॉच ठीक से वर्क नहीं कर रही है, तो आप अनपेयर कर सकते हो और आपको फिर पहले से पेयर करना पड़ेगा। बैक जाइए। फिर है वॉच फेस को चेंज करने का फीचर, तो आप यहां से वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। आपको एरो पे टैप करना है उसके सामने, और आपको मिलेंगे अलग अलग कैटेगरीज जैसे इलुस्ट्रेशन, क्रोनोग्राफ, मिनिमल एनालॉग, एब्स्ट्रैक्ट, ज्योमेट्री, स्पेस, स्पोर्ट्स, टेक, नेचर, मिनिमल, डिजिटल, क्रिसमस। तो आपको मिलेंगे यहां पे 100+ वॉच फेसेस। आपको जिस कैटेगरी को ओपन करना है उस कैटेगरी के सामने जो मोर लिखा होगा आपको इस पर टैप करना है। जैसे मान लो मुझे करना है क्रोनोग्राफ, तो मैं इस पर टैप करूंगा मोर पे, और आपको जो वॉच फेस अप्लाई करना है आपको उस वॉच फेस पे टैप करना है और करना है अपडेट वॉच फेस। तो इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। वॉच फेस जो है अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो यहां पे। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी हुई वॉच फेस पे तो आप वो भी कर सकते हो। आपको बैक जाना है और सबसे ऊपर मिलेगा आपको कस्टम का ये ऑप्शन, आपको क्रिएट नाउ पे टैप करना है। आपको मिलेंगे तीन स्टाइल्स, पहले में टाइम है टॉप में, दूसरे में टाइम है बॉटम में, और तीसरे में टाइम है लेफ्ट टॉप कॉर्नर में। तो आपको जो स्टाइल चूज करनी है आपको उस पर टैप करना है। फिर गैलरी पे टैप कीजिए, जो फोटो आपको सेट करनी है उस फोटो पे आपको टैप करना है। मान लो मुझे ये फोटो चूज करनी है तो मैं इस फोटो पे टैप करूंगा। आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो अपने हिसाब से, और फिर आपको करना है टिक पे टैप। टाइम का जो कलर है या जो फॉन्ट का कलर है आप यहां से चेंज कर सकते हो। आपको जो फॉन्ट का कलर रखना है उसे सेट करिए और करिए फिर अपडेट वॉच फेस। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे, जो अब अप्लाई हो चुकी है। फिर आगे है नोटिफिकेशंस, तो आपको इस पे टैप करना है। फिर ऐप नोटिफिकेशन, आपको इसे करना है टैप और करिए अलाउ पे टैप। नॉइस फिट को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए, वापस इस पे टैप करके आपको इसे ऑन करना है। मैनेज एप्स पे टैप करना है और आपको करना है ऑल पे टैप। तो आपके फोन में जितने भी एप्स आपने डाउनलोड किए हैं या जितने भी एप्स आपके फोन में है वो सभी यहां पे शो करेंगे। और आपको जिन किसी एप्स की नोटिफिकेशन देखनी है आपकी वॉच में, आपको उन एप्स को टिक करना है। तो मैंने इन एप्स को कर लिया है सिलेक्ट। फिर आपको करना है सेव चेंजेस। जो भी एप्स आपने सिलेक्ट किए हैं यहां पे, उन एप्स की आपको मिलेगी नोटिफिकेशन आपकी वॉच में। लेकिन आपकी वॉच और आपके फोन में डिस्टेंस 10 मीटर से ज्यादा होना नहीं चाहिए। अगर उससे ज्यादा डिस्टेंस होता है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी आपकी वॉच में।
फिर बैक जाइए, आगे है एसएमएस अलर्ट। तो अगर आपको एसएमएस भी रिसीव करना है अपनी वॉच में तो आपको इस पर टैप करके इसे करना है ऑन। परमिशन को करिए अलाउ। फिर है रिमाइंडर्स, तो इस पर टैप कीजिए। ये है इवेंट रिमाइंडर, मतलब कि किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी या ऐसा कोई दिन जिसे आप भूलना नहीं चाहते तो आप उसका रिमाइंडर यहां पे ऐड कर सकते हो। आप एक साथ यहां पे 5 रिमाइंडर ऐड करके रख सकते हो। जो भी रिमाइंडर आप ऐड करोगे वो आपको शो करेंगे आपके वॉच में भी, और जब उसका टाइम आएगा तब आपकी वॉच में मिलेगा आपको उस रिमाइंडर का अलर्ट वाइब्रेशन के साथ। तो आपको ऐड रिमाइंडर पे टैप करना है, यहां पे लेबल देना है, जैसे किसी का बर्थडे हो तो बर्थडे टाइटल दीजिए, फिर डेट चूज कीजिए, इसके बाद टाइम चूज कीजिए एएम पीएम, और फिर आपको करना है सेव पे टैप, और फिर अगले को ऐड करने के लिए ऐड पे टैप कीजिए, लेबल दीजिए, सेम तरीके से आपको करना है इसे सेव, फिर करिए सेव चेंजेस दोनों को सेव करने के लिए। अगर आपको इनमें से किसी को निकालना हुआ या एडिट करना हुआ तो आपको एडिट पे टैप करना है, आप उस पर टैप करके उसकी डेट या जो भी लेबल है उसे चेंज कर सकते हो, या फिर अगर आपको किसी को निकालना हुआ, रिमूव करना हुआ तो क्रॉस के साइन पे टैप कीजिए, तो जो रिमाइंडर होगा यहां से रिमूव हो जाएगा। बैक जाइए, और फिर है कॉल अलर्ट। तो अगर आप अपनी वॉच में कॉल के नोटिफिकेशन को देखना चाहते हो तो आपको इसे करना है ऑन, और फिर करना है परमिशन को अलाउ, ताकि जो भी कॉल्स आएंगे आप अपनी वॉच में देख पाओगे किसका कॉल आ रहा है, आपको पता चलेगा। दोस्तों अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो इस तरीके से कॉल शो करता है। सबसे पहले कट करने का ऑप्शन, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा, और ये है इस रिंगिंग को म्यूट करने का ऑप्शन। जो रिंग बज रही है फोन में आप उसे म्यूट कर सकते हो, और यहां से कॉल के प्रीव्यू को रिमूव कर सकते हो। इस तरीके से यहां से रिमूव हट चुका है और जो रिंग बज रही थी वो अब साइलेंट हो चुकी है। और ये है लास्ट में क्विक रिप्लाई सेंड करने का ऑप्शन। तो जो भी 5 क्विक रिप्लाई आपने सेट किए हैं यहां पे शो करेंगे, और आपको जिसे सेंड करना है उसके सामने जो एरो का बटन है उस पर टैप कीजिए, वो क्विक रिप्लाई सेंड हो जाएगा, सामने वाले को मिल जाएगा मैसेज, और जो कॉल होगा कट हो जाएगा। और आपने अगर कोई कॉल मिस कर दिया तो आपको इस तरीके से मिस कॉल का अलर्ट भी मिलता है। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा। तो एसएमएस रिसीव हो चुका है, डिस्प्ले इसका ऑन होता है और वाइब्रेट भी करती है वॉच, अच्छी बात है। हालांकि ज्यादा समय के लिए आपको शो नहीं करता, अगर आपको इसे देखना हुआ तो आपको स्वाइप डाउन करना है, और ये रहे वो मैसेज। इसमें एक अजीब बात यह है कि पूरा जो बड़ा मैसेज है वो एक ही पैनल में शो नहीं करता, अलग अलग शो करता है। इसमें 4 लाइन शो करेंगी, फिर अगले में 4 लाइन शो करेंगी। तो अगर कोई बड़ा मैसेज आप रिसीव करते हो तो आपको सभी मैसेज को देखना पड़ेगा वन बाय वन, ताकि आप पूरे मैसेज को पढ़ सको। और अच्छी बात इसमें यह है कि आप जब चाहे तब क्विक रिप्लाई को सेंड कर सकते हो, तो ऐसा नहीं कि आपको तुरंत सेंड करना है, आप जब चाहे तब सेंड कर सकते हो। तो आपको ये रहा क्विक रिप्लाई का मैसेज, इस पर टैप करना है, और आपको जिसे सेंड करना है उसके सामने जो एरो का आइकन है उस पर टैप कीजिए, और वो क्विक रिप्लाई सेंड हो जाएगा सामने वाले को। और आप मैसेज को वन बाय वन यहां से डिलीट भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो सभी को एक साथ भी डिलीट कर सकते हो, आपको मिलेगा ऊपर में क्लियर ऑल का ये ऑप्शन। और आप एक साथ यहां पे लेटेस्ट 10 मैसेज को रीड कर सकते हो एक साथ। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है, डिस्प्ले इसका ऑन हुआ नहीं, हालांकि वॉच वाइब्रेट हुई है, तो आपको अगर देखना हुआ तो डिस्प्ले को ऑन करना पड़ेगा। और ये है व्हाट्सएप मैसेज, कौन से कॉन्टेक्ट या नंबर से आया यहां पे शो करता है। अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया तो स्वाइप डाउन कीजिए, और ये रहा व्हाट्सएप मैसेज, आपको जिसे रीड करना है उस पर टैप कीजिए, और आप इस तरीके से रीड कर सकते हो। यहां पे मैक्सिमम आप देख पाओगे तो 6-7 लाइन रीड कर सकते हो इस तरीके से। हिंदी फॉन्ट और इमोजी इसमें सपोर्ट नहीं करते, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर है हेल्थ मॉनिटर, तो इसमें आपको मिलेंगे हार्ट रेट, सबसे पहले इस पर टैप कीजिए। आप यहां से ऑटोमेटिक हार्ट रेट को ऑन कर सकते हो, अगर आप इसे ऑन करोगे तो हर 5 मिनट में आपकी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिकली मेजर होता रहेगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप जो अलर्ट वैल्यू है उसे भी सेट कर सकते हो। मान लो मैंने यहां पे सेट किया है 140 बीपीएम, तो मेरा हार्ट रेट अगर 140 या उसके ऊपर जाएगा तो मुझे आएगा अलर्ट मेरी वॉच में कि आपका जो हार्ट रेट है 140 या उसके ऊपर चला गया है। लेकिन ऑटोमेटिक हार्ट रेट को ऑन करने से बैटरी ज्यादा यूज होगी,
आपकी वॉच में अगर आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, बैटरी अगर आप सेव करना चाहते हो तो आपको इसे ऑफ रखना है। फिर आप जब चाहे तब अपनी वॉच में मैन्युअली हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बैक जाइए। फिर है रैपिड आई मूवमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, जब आप सोते हो, सपने देखते हो, सबकॉन्शियस माइंड में होते हो, तब आपकी आंखें मूव करती है यहां से वहां, उसे कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो होगा क्या, आपके स्लिप डेटा में यह भी डेटा शो करेगा कि मतलब आप जब सोए थे तो कितने टाइम के लिए रैपिड आई मूवमेंट आप कर रहे थे। तो अगर आपको ऐसा देखना हुआ आपके स्लिप डेटा में तो आपको इसे ऑन करना है। फिर है ड्रिंक वाटर रिमाइंडर। तो आप पानी पीने का जो रिमाइंडर है उससे भी सेट कर सकते हो, आपको इस पर टैप करना है, इसे ऑन करना है। एडिट पर टैप कीजिए, फ्रीक्वेंसी मतलब कि हर कितने घंटे के बाद आपको पानी पीना है। तो मान लो मैंने किया है 2 घंटे, सेव कीजिए। स्टार्ट टाइम एंड टाइम सेट करना है, मान लो मुझे सुबह के 8 बजे से लेकर स्टार्ट करना है, सुबह के 8 से लेकर रात के 11 बजे तक मैं चाहता हूं पानी पीने का जो रिमाइंडर है वो आता रहे। तो ये जो स्टार्ट टाइम एंड टाइम मैंने सेट किया है, इस टाइम के दौरान हर 2 घंटे के बाद मुझे पानी पीने का रिमाइंडर आएगा मेरी वॉच में। फिर आपको करना है सेव पे टैप। आगे है हैंड वॉश रिमाइंडर, हाथ धोने का रिमाइंडर भी आप सेट कर सकते हो, आपको टैप करना है, इसे ऑन करना है। एडिट पे टैप कीजिए, आपको हर कितने घंटे बाद हाथ धोना है तो आप यहां पे टैप कीजिए, टाइम को सेट कीजिए, मैं चाहता हूं हर 2 घंटे में। और स्टार्ट टाइम मान लो सुबह में 9 से रात के 10 बजे तक, तो मैं यहां पे सुबह के 9 से लेकर रात के 10 बजे तक टाइम सेट करूंगा। तो इस टाइम के दौरान हर 2 घंटे के बाद मुझे आएगा हैंड वॉश रिमाइंडर। सेव पे टैप कीजिए, सेव करने के लिए बैक जाइए। और एंड में है आइडल अलर्ट, मतलब कि सेडेंटरी रिमाइंडर। अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो, मतलब आपने 1 घंटे के दौरान चला भी नहीं और आप उठे भी नहीं, एक ही प्लेस पे ऐसे बैठे हुए हो, तो आपको आएगा एक अलर्ट कि आपको चलना चाहिए, उठना चाहिए। तो आपको इसे ऑन करना है। एडिट पर टैप कीजिए, फ्रीक्वेंसी मैं चाहूंगा हर 1 घंटे में ये शो करे, तो मैंने टाइम को चेंज नहीं किया है। हालांकि स्टार्ट टाइम मैं चाहता हूं सुबह के 9 से लेकर रात के 11 बजे तक ही काम करे। तो सुबह के 9 से लेकर रात के 11 बजे तक अगर मैं हर 1 घंटे कुछ भी एक्टिविटी नहीं करता तो मुझे आएगा एडल अलर्ट मेरी वॉच में। आपको करना है फिर सेव, सेव करने के लिए। आगे है माय अलार्म्स। तो आप यहां पे अलार्म को सेट कर सकते हो, आप एक साथ 5 अलार्म्स को सेट कर सकते हो। जो भी आप अलार्म सेट करोगे आप अपनी वॉच में भी उसे देख पाओगे, और जब भी उस अलार्म का टाइम आएगा आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। तो आपको एड अलार्म पे टैप करना है, टाइम सेट कीजिए, एएम पीएम सेट कीजिए, डे को चूज कीजिए, ब्लू सर्कल में जो डे शो कर रहे हैं उस डे को अलार्म प्ले होगा। फिर आपको सेव पे टैप करना है। अगले अलार्म को ऐड करने के लिए ऐड पे टैप कीजिए, टाइम सेट कीजिए, डे को चूज कीजिए, फिर आपको करना है सेव पे टैप। इस तरीके से आप अलार्म को ऐड कर सकते हो। फिर आपको करना है सेव चेंजेस। अगर आपको किसी भी अलार्म को ऑन ऑफ करना हुआ तो आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर किसी भी अलार्म को आपको एडिट करना हुआ, डिलीट करना हुआ, तो आपको एडिट पे टैप करना है ऊपर में, फिर आप इस पे टैप करके उसका टाइम या डे को चेंज कर सकते हो, या फिर आप क्रॉस के साइन पे टैप करके उस अलार्म को यहां से रिमूव भी कर सकते हो। फिर आपको करना है सेव चेंजेस पे टैप सेव करने के लिए। फिर है गूगल फिट। तो आप अगर गूगल फिट का यूज करते हो तो इस ऐप में जो आपका डेटा है, जैसे कि स्टेप्स, डिस्टेंस, कैलोरी, हाइट, वेट, स्लीप, ये सब कुछ आप देख पाओगे इस ऐप में भी। तो आपका डेटा दोनों जगह सिंक रहेगा। जो डेटा आप नॉइस फिट में देख रहे हो वही सेम डेटा आपको गूगल फिट में भी मिलेगा। आगे है क्विक रिप्लाई का फीचर। तो आप कॉल और एसएमएस के लिए अपनी वॉच से क्विक रिप्लाई सेंड कर सकते हो। आपको मिलेंगे बाय डिफॉल्ट यहां पे 5 क्विक रिप्लाईज, लेकिन आप मैक्सिमम 5 ही ऐड कर सकते हो। तो पहले से 5 तो ऐड किए गए हैं। तो अगर आपको किसी को ऐड करना हुआ तो सबसे पहले किसी को यहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो आपको एडिट पे टैप करना है। आप चाहो तो इन्हें ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो आप यहां पे टैप कीजिए, इस तरीके से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आपको ऐड करना है तो किसी को रिमूव कीजिए क्रॉस के साइन पे टैप करके, और ऐड करने के लिए ऐड पे टैप कीजिए। आप कोई भी जो अपना क्विक रिप्लाई है सेट कर सकते हो यहां पे टाइप करके, विल कॉन्टैक्ट यू इन 10 मिनट्स। तो मैंने ऐसा किया है टाइप, मैं करूंगा सेव। तो जैसे यहां पे शो कर रहा है सेम वैसे ही आपको शो करेंगे क्विक रिप्लाईज आपकी वॉच में, जब भी एसएमएस या कॉल आएगा तब। फिर आपको करना है सेव चेंजेस पे टैप सेव करने के लिए। फिर है वेदर सेटिंग्स। तो आपको टैप करना है। अगर आपको अपनी वॉच में आज का और अगले 4 दिन का वेदर देखना हुआ तो आपको इसे ऑन करना है। टेम्परेचर यूनिट आपको सेल्सियस रखना है, इसे चेंज नहीं करना है, बैक जाइए। फिर है वर्ल्ड क्लॉक का फीचर। तो दुनिया के अलग अलग सिटी में कितना टाइम हुआ है,
आप यहां से सेट कर सकते हो। आप एक साथ पांच सिटीज को ऐड कर सकते हो, तो आपको ऐड क्लोक पे टैप करना है, सिटी का नाम सर्च करना है, जैसे मान लो सिडनी, फिर वापस ऐड पे टैप कीजिए शिकागो। तो मैंने पांच सिटीज को ऐड कर लिया है, आप इन्हें ऊपर नीचे भी कर सकते हो, फिर सेव कीजिए। अगर आपको इनमें से किसी को निकालना हुआ तो आप एडिट पे टैप करके वापस क्रॉस के साइन पे टैप करके निकाल सकते हो। जिस ऑर्डर में आपने यहां पे सेट किया है उसी ऑर्डर में आपको शो करेंगे आपकी वॉच में ये सिटीज। फिर है फाइंड माय डिवाइस, तो आप इसके जरिए अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपनी वॉच को कहीं पे रख दिया है लेकिन आपको मिल नहीं रही है, तो आप इस पे अगर टैप करोगे तो आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट। लेकिन ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच और आपका फोन 10 मीटर के रेंज में होंगे। तब सर्च पे टैप कीजिए, तो इस तरीके से आप अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। आप बार बार कर सकते हो, वापस सर्च कीजिए, वापस सर्च होगा। फिर एक कैमरा शटर, तो इस पर टैप कीजिए, अलाउ कीजिए, आपकी वॉच में ओपन होगा शटर। आपको क्या करना है, आपको आपकी वॉच को शेक करना है इस तरीके से, आप देख पा रहे हो कैप्चरिंग। तो एक बार जब आप यहां से कैमरा शटर ओपन करते हो तो आपको अपनी वॉच को करना है शेक और आप इस तरीके से फोटो कैप्चर कर सकते हो। आगे है डिवाइस सेटिंग्स, तो आप इस पर टैप करोगे तो आपको मिलेगा डिवाइस टाइम का ऑप्शन, मतलब कि आप जो टाइम फॉर्मेट है उसे चेंज कर सकते हो। इसमें तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, पहला है सिंक टाइम, मतलब कि आपके फोन में जो टाइम फॉर्मेट शो कर रहा है सेम वही टाइम फॉर्मेट आपको आपकी वॉच में भी शो करेगा। लेकिन अगर आपको चेंज करना हुआ तो आप यहां पे 12 आवर पे टैप करके चेंज कर सकते हो। अगर आपको 24 आवर रखना हुआ या 12 आवर तो आप सेट कीजिए, फिर आपको करना है सेव पे टैप सेव करने के लिए। अब बात करते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स की, तो अगर आप जाओगे होम पे, आपको 3 बार पे टैप करना है और आपके नाम के सामने जो एरो का बटन है उस पर टैप करना है। एडिट पे टैप कीजिए, आप यहां से अपनी प्रोफाइल फोटो चेंज कर सकते हो, अपना नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। फिर है एंड गेम, तो आप अपनी वॉच को किस तरीके से यूज करना चाहते हो, जैसे कि इसमें आपको मिलेंगे अलग अलग ऑप्शंस, फिट प्ले, हेल्थ गोल्स, लाइफ स्टाइल, मैक्स प्रोडक्टिविटी। अगर आप समझते हो आप पहले से फिट हो तो आपको फिट प्ले पे करना है, आप अगर ज्यादातर वर्कआउट करते हो, योगा करते हो तो आपको हेल्थ गोल्स करना है, अगर आप जिम में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो लाइफ स्टाइल करना है, अगर आपको वन बाय वन सभी गोल्स अचीव करने हैं वर्कआउट के तो आपको मैक्स प्रोडक्टिविटी पे टैप करना है। अभी मैं फिलहाल करूंगा फिट प्ले, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी वॉच में। फिर आप हाइट, वेट और जो यूनिट है वो भी चेंज कर सकते हो। यहां से आप केजी में अपना वेट और सेंटीमीटर में अपनी हाइट चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। इसके अलावा यूनिट आपको मैट्रिक रखना है, मैट्रिक मतलब आपका डिस्टेंस मीटर या किलोमीटर में शो करेगा, अगर आप इंपीरियल करोगे तो आपका डिस्टेंस माइल्स में शो करेगा। इंडिया में हम मैट्रिक यूज करते हैं तो हम करेंगे मैट्रिक और सेव। आगे है माय बैजेस, तो आप कोई भी गोल अचीव करोगे तो आपको मिलेंगे उसके बैजेस और आपके बैजेस यहां पे शो करेंगे। इसके बाद है माय बडीज, तो आपका कोई भी फ्रेंड या फैमिली मेंबर नॉइस फिट ऐप का यूज करता है तो आप उस बडी को ऐड कर सकते हो इस ऐप में, और अगर आप उसे ऐड करोगे तो आप उसका डेटा चेक कर सकते हो रोजाना, जैसे कि वो कितने स्टेप चलाए आज, उसका SpO2, स्लिप डेटा, स्ट्रेस, हार्ट रेट कितना है, आप उसका चेक कर सकते हो, और सेम तरीके से वो भी आपका यही डेटा चेक कर सकता है। तो आपको ऐड करने के लिए ऐड पे टैप करना है, जिसे आपको ऐड करना है उस कॉन्टैक्ट पे टिक करके आपको ऐड करना है, उसे जाएगा इनविटेशन, और जब वो इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा तब आप उसका डेटा यहां पे देख सकते हो इस तरीके से। और आगे है माय गोल्स, मतलब कि आप जो अपने रोजाना गोल्स है, डेली गोल्स, उसे चेंज कर सकते हो। आपको एडिट पे टैप करना है, जैसे कि रोजाना आपको कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न करनी है, तो मैं चाहता हूं 320। इसके अलावा डिस्टेंस आपको कितना कवर करना है रोजाना, 6 किलोमीटर, स्टैंडिंग आवर्स आपको कितना चाहिए रोजाना, 8 आवर्स, और स्टेप्स कितने स्टेप्स आपको चलने हैं, कितने कदम आपको चलने हैं रोजाना, 3000। तो आप अपने हिसाब से डेली गोल्स चेंज करके सेट कर सकते हो, फिर आपको करना है सेव चेंजेस पे टैप। और अगर आप कोई भी इश्यू फेस करते हो अपनी वॉच में, और अगर आपको कोई भी कंप्लेंट सेंड करनी है नॉइस को, तो आप कस्टमर सपोर्ट पे टैप करके
जो अपनी कंप्लेंट है उसे सेंड कर सकते हो। आपको यहां पे टैप करना है नीचे रजिस्टर एन ऑनलाइन कंप्लेंट और आपको इस फॉर्म को करना है सबमिट। इसके बाद आपको जो नोइस है कॉन्टैक्ट करेगा और जो भी आपकी इश्यू होगी वो रिजोल्व की जाएगी। और होम पेज पे अगर आपको ऐसा पॉपअप शो करेगा तो आपको करनी है दो चीजें। सबसे पहले तो आपको इसे क्लोज करना है, इसे करिए रिसेंट एप्स में ओपन और जाइए ऐप इन्फो में, बैटरी में, और आपको इसे सेट करना है पहले पे अनरेस्ट्रिक्टेड पे। इसके अलावा आपको उसी तरीके से ओपन करना है नॉइस फिट को और आपको करना है लॉक दिस ऐप। ये लॉक हो जाएगा मतलब कि ये जो ऐप होगा हमेशा बैकग्राउंड में रन करता रहेगा, यहां से क्लियर नहीं होगा और ये बैकग्राउंड में काफी अच्छे से वर्क करेगा ताकि आपकी वॉच इस ऐप के साथ डिसकनेक्ट ना हो बार बार। दोस्तों बात करते हैं हेल्थ और यू की, मतलब कि आपका एक्टिविटी और वाइटल्स डेटा। तो ये है आज का डेटा, आज आपने कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न की है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है और आपका स्टैंड अप टाइम कितना है, और ये है आज का स्टेप काउंट। तो आपने जो भी स्टेप चले हैं कितने चले हैं यहाँ पे शो करता है, टैप कीजिए। तो ये है आपके आज के स्टेप्स, ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कितने बजे आप कितने स्टेप चले थे। इसके अलावा आपका गोल कितना है और कितना गोल आपने अचीव किया अभी तक, सबसे ज्यादा स्टेप्स आप कौन से दिन को चले थे, कितने चले थे यहाँ पे शो करता है, पिछले दिन का रिकॉर्ड और आज का रिकॉर्ड, पिछले हफ्ते का और इस हफ्ते का, इसके अलावा पिछले महीने का और इस महीने का जो डेटा है आपको शो करता है ताकि आप कंपेयर कर सको आप किस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हो। ये है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज। अगर आपको डे को चेंज करना हुआ तो आपको स्वाइप करना है इस तरीके से, स्वाइप करके आप डे या वीक या मंथ को चेंज कर सकते हो और उस डेट को जो भी आपने स्टेप्स चले हैं उसका डेटा चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर है डिस्टेंस, तो इस पर टैप कीजिए, आज आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कितने बजे आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है। इसके अलावा आपका गोल कितना है और कितने परसेंट आपने अचीव किया है, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन को आपने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया था और कितना किया था, पिछले दिन का और इस दिन का कंपैरिजन, पिछले हफ्ते का और इस हफ्ते का, पिछले महीने का और इस हफ्ते का कंपैरिजन आपको शो करेगा कि आपने कैसे डिस्टेंस कवर किया है। यह है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज। अगर आपको डे को चेंज करना हुआ तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करके आप डे को चेंज करके उस पर्टिकुलर डेट का डेटा चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर है हार्ट रेट, तो आपने लास्ट टाइम कब मेजर किया था और कितना आया था यहाँ पे शो करता है, टैप कीजिए। ये है आज का डेटा, आज आपका मिनिमम कितना रहा था, मैक्सिमम कितना रहा था और एवरेज कितना रहा था यहाँ पे शो करता है, ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कितने बजे के दौरान आपका जो मिनिमम मैक्सिमम था कितना रहा था हार्ट रेट। इसके अलावा ये है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज। अगर आपको डे को चेंज करना हुआ तो स्वाइप करके आप डे को चेंज कर सकते हो और उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर है स्लीप डेटा, तो आप कितने घंटे के लिए सोए यहां पे टाइम शो करता है, टैप करोगे तो आपको कितने बजे नींद लगी, कितने बजे आप जागे, आपके अलग अलग जो स्लीप पैटर्न्स थे जैसे कि अवेक टाइम, रेम टाइम, लाइट स्लीप और डीप स्लीप कैसे थी यहां पे शो करता है, सोने के दौरान आपका हार्ट रेट मिनिमम मैक्सिमम कितना रहा था। इसके अलावा अलग अलग स्लीप पैटर्न्स आपको शो करेंगे जैसे कि अवेक टाइम, रेम टाइम, लाइट स्लीप, डीप स्लीप, तो ये कितने टाइम के लिए आपने किया था, कितने परसेंट और ये कैसा था, लो था, हाई था या मॉडरेट था यहाँ पे शो करता है। फिर आपको यहाँ पे लास्ट 7 डे का स्लीप डेटा शो करता है और अब तक एवरेज कितना रहा है और आपका जो स्लीप क्वालिटी स्कोर है एवरेज कितना रहा है इस हफ्ते यहाँ पे शो करता है। ये है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज। अगर आपको किसी भी दिन को चेंज करना हुआ और उसका रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको डे पे टैप करके स्वाइप करना है और आप इस तरीके से उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। फिर है ब्लड ऑक्सीजन, मतलब कि SpO2 नॉर्मली 95 या उसके ऊपर होना चाहिए, तो लास्ट टाइम आपने कब मेजर किया था, कितना आया था यहाँ पे शो करता है, टैप कीजिए। तो ये है आज का डेटा, आज का मिनिमम मैक्सिमम कितना रहा है और एवरेज कितना रहा है, ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कितने बजे के दौरान आपका जो मिनिमम मैक्सिमम था कौन से रेंज में था और आपका जो एवरेज है कितना रहा है। ये है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज। अगर आपको डे को चेंज करना हुआ तो आप स्वाइप करके डे को चेंज करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर है स्ट्रेस मेजरमेंट, तो आपने लास्ट टाइम कब मेजर किया था, कितना आया था यहाँ पे शो करता है, टैप कीजिए। ये है आज का डेटा, आज आपका मिनिमम मैक्सिमम कितना रहा था स्ट्रेस और एवरेज कितना रहा था,
ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कितने बजे आपका स्ट्रेस कितना था, कौन से लेवल पे था, इसके अलावा वो कैसा था, रिलैक्स, नॉर्मल, मीडियम या हाई। अगर 60 के ऊपर है तो मतलब मीडियम है, 80 के ऊपर है तो हाई है, और नॉर्मली 60 के नीचे होना चाहिए, मतलब कि आपका जो स्ट्रेस है नॉर्मल या फिर रिलैक्स है। ये है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज। अगर आपको डे को चेंज करना हुआ तो स्वाइप कीजिए और आप डे को चेंज करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर इसके नीचे आपको मिलेगा वर्कआउट डेटा, तो जो भी आपने वर्कआउट किए है यहाँ पे शो करेंगे। तो आपको अगर सभी वर्कआउट को देखना हुआ एक साथ, पहले से लेकर अब तक आपने कितने वर्कआउट किए हैं, तो आपको व्यू ऑल पे टैप करना है और आपको मिलेंगे सारे वर्कआउट यहाँ पे। हालांकि आपको जो लोकेशन परमिशन है उसे एक्सेस देना है, तो एस कीजिए, फिर कीजिए अलाउ ऑल द टाइम, बैक जाइए। तो ये रहे सारे वर्कआउट डेट के हिसाब से। आपको जिसके बारे में जानना हुआ डिटेल में उस पर टैप कीजिए। तो ये है आउटडोर रनिंग, सॉरी आउटडोर वॉकिंग, कौन से डेट को कितने बजे आपने किया था, कितने टाइम के लिए किया था, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया था, किलो कैलोरी कितनी बर्न की थी, एवरेज हार्ट रेट आपका कितना था, एवरेज पेस आपकी कितनी थी, एवरेज स्पीड, एवरेज कैडेंस और आपके टोटल स्टेप्स। इसके अलावा टाइम के हिसाब से आपका हार्ट रेट कैसे चेंज हुआ था, वर्कआउट के दौरान आपका हार्ट रेट मिनिमम कितना था, मैक्सिमम कितना था, हार्ट रेट आपका कौन से जोन में कितने टाइम के लिए था यहाँ पे शो करता है। इस तरीके से आप इसे शेयर भी कर सकते हो और जो फोटो है इसे बैकग्राउंड को चेंज भी कर सकते हो। इमेज पे टैप करके आपको जो फोटो है चूज करनी है, जो फोटो आप चूज करोगे वो फोटो यहाँ पे शो करेगी और ये डेटा आप शेयर कर पाओगे, आप सेव भी कर सकते हो और अलग अलग ऐप में शेयर भी कर सकते हो। दोस्तों ये था इस ऐप के बारे में। अब हम देखेंगे आपको वॉच में कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स देखने मिलते हैं। दोस्तों इस वॉच में आपको मिलती है एक बटन जिसके तीन फंक्शंस। तो अगर आप होम पेज पे हो, ऐसे में अगर आपने इस पे प्रेस किया तो आप मेन मेनू को एक्सेस कर सकते हो। ये है मेन मेनू, तो मेन मेनू को एक्सेस करने के लिए आपको इस पे प्रेस करना है। और अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको डायरेक्टली आना हुआ होम पेज पे, तो आपको इस पे प्रेस करना है, आप डायरेक्टली होम पेज पे आ जाओगे इस तरीके से। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप अपनी वॉच को कर सकते हो स्विच ऑफ, रिस्टार्ट और रिसेट। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बैक आना हुआ तो उसके लिए आपको जेस्चर का यूज करना है, तो आप इस तरीके से स्वाइप राइट करके बैक जा सकते हो स्टेप बाय स्टेप। होम पेज पे होते हुए अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन सेंटर, आप अपने नोटिफिकेशन यहां पे रीड कर सकते हो। और अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, बैटरी परसेंटेज यहां पे शो करता है। सबसे पहले है बैटरी सेविंग मोड, अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, आपकी वॉच वाइब्रेट नहीं करेगी और आपकी वॉच में डिस्प्ले होगा उसकी ब्राइटनेस सबसे कम सेट की जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो एक लेवल पे सेट की गई है ब्राइटनेस को सबसे कम। तो अगर आपको बैटरी सेव करनी है तो आप बैटरी सेविंग मोड का यूज कर सकते हो। आगे है फाइंड माय फोन, आप इसके जरिए अपने फोन को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपने फोन को कहीं पे रख दिया है, आपको मिल नहीं रहा है, तो आप इस पे टैप करोगे तो आपके फोन में रिंग बजेगी। अगर आपका फोन साइलेंट पे भी हुआ फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। फिर है ब्राइटनेस का ऑप्शन, तो आप ब्राइटनेस को यहां से एडजस्ट कर सकते हो। आप देख पा रहे हो लेवल 3 है, 4 है और 5, तो यहां से आप कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। फिर है डीएनडी का ऑप्शन, मतलब कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड, अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा और कोई भी कॉल या नोटिफिकेशन शो नहीं करेंगे। फिर है टॉर्च, तो आप यहां से टॉर्च को ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से, बैक जाइए। फिर आगे है सेटिंग्स, तो इसमें पहले है ब्राइटनेस, तो आप यहां से भी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। फिर है वाइब्रेशन, तो आप जो वाइब्रेशन की इंटेंसिटी है उसे चेंज कर सकते हो, ये है वीक, ये मॉडरेट और ये है स्ट्रॉन्ग। अगर आपको हल्का सा चाहिए वाइब्रेशन आपकी हथेली पे तो वीक रखिए, अगर आपको मीडियम चाहिए वाइब्रेशन तो मीडियम रखिए, अगर आपको ज्यादा वाइब्रेशन फील करना है तो रखिए स्ट्रॉन्ग। फिर आगे है रेस्ट अवेक, मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर, अगर आपने इसे ऑन किया है इसका मतलब क्या होता है, मान लो 7 सेकंड के बाद आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। अब आपको इसे ऑन करना हुआ तो आप अपनी वॉच को अगर ऊपर उठाओगे इस तरीके से डिस्प्ले इसका ऑन हो जाएगा, इसे कहते हैं रेस्ट वेक का फीचर। आप देख पा रहे हो नीचे करोगे तो ऑफ हो जाएगा, ऊपर करोगे तो ऑन हो जाएगा।
ऊपर करिए ऑन, नीचे करिए ऑफ। इसे कहते हैं रेस्ट टू वेक का फीचर। तो अगर आपको इसका यूज करना है तो आप इसे ऑन रखिए, अगर नहीं करना है तो ऑफ कीजिए। और कितने सेकंड के लिए डिस्प्ले ऑन रहना चाहिए, तो ये है ऑटो स्क्रीन ऑफ। अभी ये 10 सेकंड, मतलब कि 10 सेकंड के लिए डिस्प्ले ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। लेकिन आप इसे बढ़ाना चाहते हो तो आप मैक्सिमम कर सकते हो इसे 30 सेकंड तक, 30 सेकंड तक डिस्प्ले ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। लेकिन इतना रखोगे तो आपको बैटरी बैकअप काफी कम मिलेगा, इसलिए अगर आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए तो आप 10 से 15 सेकंड के बीच में टाइम आउट सेट कर सकते हो। फिर आगे है डिवाइस इंफॉर्मेशन, तो आप यहां पे डिवाइस का नाम, ब्लूटूथ नेम, वर्जन नंबर चेक कर सकते हो यहां से। फिर है डीएनडी, तो आप यहां से भी डीएनडी को ऑन कर सकते हो, टाइम के हिसाब से भी डीएनडी को ऑन कर सकते हो। जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान आपकी वॉच में डीएनडी वर्क करेगा। मान लो मैंने रात के 10 से लेकर सुबह के 7 बजे तक सेट किया है टाइम, ठीक है, मतलब कि रात के 10 से लेकर सुबह के 7 बजे तक मेरी वॉच में कोई भी कॉल या नोटिफिकेशन शो नहीं करेंगे और कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा। फिर एक क्यूआर कोड, तो आप ऐप को डाउनलोड करने के लिए इस कोड को स्कैन कर सकते हो। हालांकि हमने पहले ही नॉइसफिट ऐप को डाउनलोड कर लिया है, तो आपको अब इसको स्कैन करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे है रिबूट, मतलब कि रिस्टार्ट, स्विच ऑफ करने का भी ऑप्शन है और इस वॉच को रिसेट करने का भी ऑप्शन यहां पे दिया गया है। अब बात करते हैं शॉर्टकट्स की। तो जैसे आप स्वाइप लेफ्ट करोगे होम पेज पे, आपको मिलेगा सबसे पहले एक्टिविटी पेज, तो आज आपने कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न की है, कितने स्टेप्स आप चले हो, कितने मिनट के लिए आपने वर्कआउट किया है आज, और कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है किलोमीटर में, और कितना आपका स्टैंड अप टाइम है। अगर आप 1 घंटे के दौरान कम से कम 1 मिनट के लिए एक्टिविटी करते हो तो उसे कहते हैं 1 स्टैंड अप टाइम। और फिर नीचे शो करता है ग्राफ कि आपने कितने बजे के दौरान कितनी कैलोरी, कितने स्टेप्स चले थे और आपका स्टैंडिंग टाइम कितना था, यहाँ पे ग्राफ वाइज आप चेक कर सकते हो। फिर इसके बाद है हार्ट रेट, तो लास्ट टाइम आपने जो मेजर किया था यहाँ पे शो करता है। इसके अलावा अगर आपको मेजर करना हुआ तो आपको टैप टू मेजर पे टैप करना है, हार्ट रेट मेजर होगा और जो भी आपका हार्ट रेट अब आएगा ऊपर में यहाँ पे शो करेगा। ये है आज का मैक्सिमम और मिनिमम, और जो भी आपने मेजर किया था तो कितने बजे मेजर किया था और कितने लेवल पे था, यहाँ पे ग्राफ वाइज आप चेक कर सकते हो। फिर इसके आगे है स्ट्रेस मेजरमेंट, तो आप यहां से अपना स्ट्रेस मेजर कर सकते हो, मतलब आपका तनाव आप मेजर कर सकते हो, आप तनाव में हो कि नहीं। अगर 60 के नीचे है मतलब आपको स्ट्रेस नहीं है, अगर आपका जो स्कोर है 60 के ऊपर आता है मतलब कि आपको स्ट्रेस है। तो लास्ट टाइम आपने जो मेजर किया था कितना आया था यहां पे शो करता है, आप टैप टू मेजर पे टैप कीजिए, मेजरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, यहां पे मिलेगा आपको रिजल्ट। ये है आज का डेटा, आज का मैक्सिमम कितना रहा था, मिनिमम कितना रहा था, और अगर आपने मेजर किया था तो कितने बजे मेजर किया था और कौन से लेवल पे था, डॉट शो करेगा ग्राफ में। फिर इसके आगे है ब्रीद वर्कआउट, तो आप जो ब्रीदिंग वर्कआउट है यहां से कर सकते हो। आपको टाइम सेट करना है सबसे पहले 1, 2 या 3 मिनट। फिर इसके बाद आपको स्पीड चूज करनी है, फास्ट, मॉडरेट या स्लो। स्टार्ट करना है जैसे सर्कल छोटा होता है बड़ा होता है उस तरीके से आपको सांस लेनी है छोड़नी है। इनहेल मतलब सांस लेनी है और एक्सहेल मतलब सांस छोड़नी है। तो आप जितना आपने टाइम सेट किया है उतने टाइम के लिए आप इसे कर सकते हो। फिर इसके बाद है म्यूजिक कंट्रोल, तो यहां पे म्यूजिक प्ले हो नहीं रहा है तो उसके लिए आपको अपने फोन में म्यूजिक ऐप को ओपन करना है, फिर प्ले करना है, उसे पॉज करना है, इसके बाद आपको वापस आप देखोगे स्टॉप, प्ले, नेक्स्ट। हालांकि सॉन्ग का टाइटल यहां पे ऊपर में शो नहीं कर रहा है। वॉल्यूम को आप यहां से डाउन और अप कर सकते हो। अब बात करते हैं मेन मेनू की। मेन मेनू को एक्सेस करने के लिए आपको इस बटन पे प्रेस करना है और ये है मेन मेनू। सबसे पहले है नॉइस हेल्थ, तो इस पर टैप कीजिए। सबसे पहले है एक्टिविटी डेटा जो हम देख चुके हैं पहले ही। फिर आगे है स्लिप डेटा, तो अगर आप सोते हुए अपनी वॉच को पहनोगे तो आपका स्लिप डेटा रिकॉर्ड होगा, तो आप टोटल कितने घंटे सोए थे, आप कितने बजे सोए, कितने बजे जागे, टाइम शो करता है यहां पे। और ग्राफ में आप देखोगे अलग अलग कलर शो करते, तो अलग अलग कलर का मतलब होता है कि डीप स्लीप, लाइट स्लीप, अवेक टाइम और रेम टाइम कितना था, आप यहां पे देख सकते हो टाइम वाइज और परसेंट वाइज।
फिर है SpO2, तो आप यहां से अपना SpO2 मतलब कि ब्लड ऑक्सीजन चेक कर सकते हो। तो आपको पहले तो इसे पहनना पड़ेगा ठीक से, और आज का मैक्सिमम मिनिमम कितना रहा था शो करता है, और आपने अगर मेजर किया होगा आज तो ग्राफ पे शो करेगा कितने बजे कौन से लेवल पे था। फिर है हार्ट रेट जो हम देख चुके हैं, और स्ट्रेस मेजरमेंट ये भी हम देख चुके हैं। फिर आगे है क्लॉक, इसमें पहले है अलार्म, जो भी अलार्म्स आपने सेट किए आपके ऐप में यहां पे शो करेंगे। हालांकि आप यहां से अलार्म को ऑन ऑफ नहीं कर सकते और अलार्म को सेट भी नहीं कर सकते, केवल आप अलार्म का टाइमर यहां पे देख सकते हो, तो आप यहां पे अलार्म को एडिट या ऑफ नहीं कर सकते। इसके बाद है स्टॉपवॉच, तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा लैप देने का भी ऑप्शन यहां पे दिया गया है, आप मैक्सिमम यहां पे 50 लैप्स दे सकते हो। स्टॉप कीजिए, रिसेट कीजिए, बैक जाइए। आगे है वर्क लॉक, तो जो भी आपने सिटी स्क्वायर किया है आपके ऐप में वो 5 सिटीज यहाँ पे शो करेंगे। सिडनी है, इसके बाद न्यूयॉर्क है, आपको एरो पे टैप करना है स्विच करने के लिए इस तरीके से, और आप इन्हें चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि शिकागो कौन सी डेट है और कितना टाइम हुआ है यहाँ पे शो करता है, बैक कीजिए। फिर है टाइमर, तो आप यहाँ से टाइमर को स्टार्ट कर सकते हो अलग अलग मिनट के हिसाब से, या फिर आप अपने हिसाब से कस्टम पे टैप करके मैक्सिमम 23 आवर 59 मिनट और 59 सेकंड तक, मतलब कि 24 आवर का जो टाइमर है आप स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से। फिर है वर्कआउट, तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 60 वर्कआउट मोड अलग अलग कैटेगरी वाइज, जिसमें है रनिंग स्पोर्ट्स, साइकिलिंग, इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, स्नो स्पोर्ट्स, बॉल गेम्स, डांस स्पोर्ट्स, कॉम्बैट, अदर स्पोर्ट्स। मान लो मुझे अगर स्टार्ट करना है रनिंग के लिए, वॉकिंग स्टार्ट करना है, तो मैं करूंगा वॉकिंग, तो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो वर्कआउट को गो पे टैप करके, या फिर आप अपने गोल भी सेट कर सकते हो कि आपको कितने टाइम तक करना है इसे, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न होने तक करना है, या कितना डिस्टेंस कवर होने तक करना है। गोल सेट करिए सबसे पहले, अगर नहीं करना है तो डायरेक्टली आप गो पे स्टार्ट करके इसे स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले ऊपर में शो करेगा टाइमर, कितना टाइम हुआ है वर्कआउट को, आपका हार्ट रेट, किलो कैलोरी कितनी बर्न हुई है, फिर आपका डिस्टेंस, पिछली बार कितना पेस था, अभी एवरेज कितनी पेस है। पेस का मतलब होता है अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो आपको कितना मिनट लगेगा, यह है मिनट और यह सेकंड। आपकी करंट पेस कितनी है, कैडेंस कितना है, कैडेंस मतलब 1 मिनट में आप कितने स्टेप चलते हो, और फिर है टोटल स्टेप्स। तो अगर आप स्वाइप करोगे ऐसे तो आप यहां से म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो, और अगर आपको इसे स्टॉप करना हुआ तो प्रेस कीजिए, ये हो गया पॉज, फिर ये हो गया रिज्यूम, और एंड करने के लिए फ्लैग के आइकन पर टैप कीजिए, और आप यहां से इस तरीके से इसे एंड कर सकते हो। मिनिमम आपको करना पड़ेगा 1 मिनट के लिए अगर आप सेव करना चाहते हो तो, और जो भी आप वर्कआउट करोगे आपको मिलेगा स्पोर्ट्स रिकॉर्ड में, यहां पे इस पर टैप कीजिए, और ये है वो वर्कआउट जो आपने किए हैं। अगर आपको किसी के बारे में जानना हुआ डिटेल में तो आपको उस पर टैप करना है, ये कौन सा वर्कआउट था, कौन सी तारीख को आपने कितने बजे किया था, कितने टाइम के लिए किया था, डिस्टेंस, किलो कैलोरी, एवरेज स्पीड, स्पीड मतलब 1 घंटे में आपने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था या कर पाओगे, एवरेज पेस, मैक्सिमम पेस, मिनिमम पेस, एवरेज हार्ट रेट, मैक्सिमम हार्ट रेट और मिनिमम हार्ट रेट। तो वेदर इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो, अभी फिलहाल कितना है, आज का मिनिमम मैक्सिमम कितना रहेगा, स्वाइप अप कीजिए, तो आज का और अगले 4 दिन का जो वेदर फोरकास्ट है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर के साथ। फिर है म्यूजिक कंट्रोल जो हम देख चुके हैं, ब्रीद वर्कआउट ये भी हम देख चुके हैं, रिमाइंडर्स, तो आपने जो भी रिमाइंडर ऐड किया आपके ऐप में यहाँ पे शो करेगा, कौन सा टाइटल है यहाँ पे शो करता है, कौन सी तारीख को आएगा और कितने बजे आएगा यहाँ पे शो करता है। तो जब ये टाइम आएगा तब आपको मिलेगा रिमाइंडर वाइब्रेशन के साथ, ताकि आप इस दिन को भूल ना सको। फ्लैशलाइट जो हम देख चुके हैं, इसके बाद है वॉच फेसेस, आप यहां से भी चेंज कर सकते हो स्वाइप करके, और जिसे आपको सेट करना है आपको उस पर टैप करना है और वो सेट हो जाएगा, या फिर आप वॉच फेस पे लॉन्ग टैप करोगे और फिर आप स्विच कर सकते हो स्वाइप करके इस तरीके से। और फिर लास्ट में है सेटिंग्स जो हम पहले ही देख चुके हैं। दोस्तों ये थे वो फीचर्स और सेटिंग्स जो आपको देखने मिलते हैं इस वॉच में, और ये था Noice HRX X-Fit 2 का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।